हाय फ्रेंड्स तो आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आए हैं बर्गर की इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे अच्छी बात है आज हम रेस्टोरेंट जैसा होटल में जैसे बनता है सेम उसी तरह से घर पर बनाएंगे अब बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर तैयार होगा तो आइए बिना देर के हुए अब बनाना स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू ले लेना है यहाँ पर हमने पांच बॉयल आलू लिए हैं। आप भी इसी तरह से आलू को बॉईल करके लें इसके बाद मैसर की मदद से हम आलू को फोड़ लेंगे ज्यादा आलू को मैश नहीं करना है इसे साइड करके चलते हैं कढ़ाई की तरफ कढ़ाई में हमने डेढ़ चम्मच के बराबर ऑयल ऐड किया है जब ऑयल गर्म हो जाए तब उसमें हमें पंच फोड़न ऐड कर देना है इसके बाद हम चार बारीक हरी मिर्च को काट लिए हैं इसे ऐड कर देंगे जब मिर्च हल्की सॉफ्ट हो जाए तब इसी स्टेप पर हमें आधे चम्मच के बराबर गरम मसाला ऐड करना है एक चौथाई चम्मच के बराबर हमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है आधे चम्मच के बराबर हमें जीरा पाउडर ऐड कर देना है लगभग एक चौथाई चम्मच के बराबर हमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है आप अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च को ऐड करें याद रखें जब भी आप मसालों को ऐड करें तो फ्लेम बिल्कुल लो रखें हाई या मीडियम फ्लेम ना रहे आप जब भी मसालों को ऐड करें तुरंत बाद हमें मैश किया हुआ आलू ऐड कर देना है आलू देख रहे हैं हम ज्यादा मैश नहीं किए हैं लाइटली हमने मैश किया है आलू को ऐड करते ही हमें तुरंत इसे उलटते पलटते रहना है ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिल जाएं जब तक मसाले ना मिले तब तक हमें इसे मिलाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए हमें आलू को फ्राई कर लेना है आप जब भी समोसा या बर्गर या पराठे बनाएं इसी तरह से आलू को फ्राई करके बनाएं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है अब आलू को हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं अभी हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है थोड़ा देर ठंडा हो जाने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद तो के अनुसार आप नमक ऐड करें यहाँ पर हमने काला नमक ऐड किया है आप जो भी नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे ऐड कर सकते हैं नमक और धनिया पत्ती को मिला लेने के बाद इसे हमें मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि इसमें आलू के टुकड़े ना रहे अब हाथ से एक बार हम इसे मैश कर लेते हैं जहां जहां छोटे छोटे टुकड़े हों इसे मैश करके हम इसका एक डो बना लेंगे अब इसे साइड कर देते हैं चलते हैं ग्राइंडर लेते हैं और इसमें हमें पांच छह ब्रेड ऐड कर देना है तोड़ तोड़ कर इसके बाद ब्रेड को हमें ग्राइंड कर देना है इस तरह से ब्रेड का हम बुरादा बनाकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छी तरह से बुरादा बन चुका है अब इसे साइड कर देते हैं इसके बाद एक छोटा सा बाउल लेंगे उसमें लगभग तीन या चार चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर देंगे अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छी तरह से हमें घोल बना लेना है इस तरह से देख सकते हैं घोल बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम आलू के चोखे को लेंगे इसकी छोटी छोटी हमें गोलियां बना लेनी है इसे अब हमें प्रेस कर लेना है प्रेस करके इसकी चिपटी चिपटी गोलियां इस तरह से रेडी हो जाएंगी याद रखिए हमें जब भी गोलियां बनानी है थोड़ी सी हम बड़ी साइज की बनाएंगे इस तरह से इसके बाद इसी लिक्विड में हमें डाल देना है जो मैदे का हमने लिक्विड बनाया है इसके बाद क्रम की हमें कोटिंग कर लेनी है चारों तरफ से इस तरह से लगाते हुए हम कोटिंग कर लेंगे अब इसे हमें डीप फ्राई करना है यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल रखा था ये गर्म हो चुका है इस तरह से एक एक करके हम इसी तरह से बनाते हुए डीप फ्राई कर लेंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे क्योंकि हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं इस तरह से उलटते पलटते हमें इसे फ्राई कर लेना है जब ये दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब इसे हमें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है एक एक करके हमें सारी टिक्की को निकाल देना है इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है नहीं तो ये जलने भी लगते हैं इस तरह से हम सारी टिक्कियों को एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह से कुरकुरी टिक्की बनकर तैयार हो गई है अब इसे हम साइड कर देते हैं चलते हैं बन की तरफ यहाँ पर हमने तीन बन लिया है ये मार्केट में मिल जाता है इसके बाद इसे हमें कट कर लेना है इस तरह से दो भाग में बन को हमें कट कर लेना है यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी तरह से आप कटिंग कर लेंगे अब चूल्हे पर हमें तवे को रख देना है इसके बाद इस पर हमें एक चम्मच के बराबर घी ऐड कर देना है अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं अब कटे हुए बन को हमें एक एक करके अच्छी तरह से सेक लेना है इस तरह से हम बन को अच्छी तरह से सेक लेंगे इस तरह से बन को हमें तब तक, तक सेकना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना दिखने लगे यहाँ पर उलटते पलटते हम सारे बन को सेक लेंगे जब ये अच्छी तरह से सीख जाए तब इसे हमें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है अब हम बर्गर बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार कर लिए हैं चलते हैं अब बर्गर को सेट करते हैं सबसे पहले हमें बन पर टोमेटो सॉस की लेयरिंग कर देनी है इस तरह से टोमेटो सॉस लगा देंगे इसके बाद इस पर हमें ग्रीन चटनी लगा देना है अगर आपके पास मार्केट वाली है तो उसे भी लगा सकते हैं नहीं तो आप घर पर ही बना लें अब हमें प्याज की स्लाइड रखनी है इस तरह से एक एक करके हम दोनों पर रख देंगे इसके बाद कटिंग किया हुआ दो खीरे के पीसेस को हम रख देंगे इसी के ऊपर हमें कुरकुरी वाली टिक्की एक एक करके रख देनी है इसी स्टेप पर हमें एक एक प्याज की स्लाइड रख देनी है इस तरह से हम स्लाइड को रख देंगे इसके बाद इसी स्टेप पर कटा हुआ हमें टमाटर रख देना है अब इसी स्टेप इस पर हमें ग्रीन चटनी लगा देनी है थोड़े थोड़े हम ग्रीन चटनी दोनों के ऊपर लगा देंगे अब इसी के ऊपर हमें टोमेटो सॉस लगा देना है इस तरह से दोनों पर हमें टोमेटो सॉस थोड़ा थोड़ा लगा देना है टोमेटो सॉस लगा देने के बाद ऊपर से हमें फिर से खीरे की स्लाइड रखनी है इस तरह से एक एक करके फिर से हम स्लाइड को रख देंगे अब इसी स्टेप इस पर हमें ऊपर से टिक्की को रख देनी है अब मैनीज से थोड़ा सा हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देते हैं अगर इसमें से आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं तो आप उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अब इसी स्टेप पर ऊपर से हमें बन को लगाकर फाइनली हमें बर्गर बनाकर रेडी कर देना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बर्गर बनकर तैयार हो गया है अब बर्गर सर्व करने के लिए तैयार हो गया है इसी तरह से आप होटल और रेस्टोरेंट जैसी स्टाइल में घर पर बर्गर बना सकते हैं एकदम इजी तरीके से अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो अपना फीडबैक हमें जरूर दे अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय